लोग कन्वर्जन देख रहे थे ना, तो चरण कहाँ तक क्या कन्वर्जन उसमें लगाया थी? एक हम लोग देखो कन्वर्जन देख रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं बात करते हैं। हम लोग को पहले देखना था डेसिमल से, पहले डेसिमल से समय, चलो डेसिमल से बाइनरी, फिर दूसरा क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, डेसिमल से ऑक्टल, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है डेसिमल से हेक्साडेसिमल, फिर चौथी पॉइंट हो सकती है तुम्हारी बाइनरी से डेसिमल, फिर पांचवी पॉइंट हो सकती है बाइनरी से ऑक्टल, फिर छठवीं प्रॉपर्टी हो सकती है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर क्या हो सकता है सातवीं तुम्हारी क्या हो सकती है ऑक्टल से डेसिमल, फिर हो सकती है तुम्हारी ऑक्टल से बाइनरी, फिर तुम्हारा नौवां हो सकता है तुम्हारा क्या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, फिर तुम्हारा दसवां हो सकता है हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, फिर हो सकता है ग्यारहवां तुम्हारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, फिर तुम्हारा हो सकता है बारहवां नंबर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ठीक है? फिर तुम्हारा क्या पॉसिबिलिटी और क्या पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी बोल सकते हो बताओ जी? पेट्रोलियम फोर है ना, तीन चार तेरा बस इतने पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, पेट्रोलियम फोर की पॉसिबिलिटी बारह बनेगी नहीं सर, चौबीस होनी चाहिए, चार नंबर सिस्टम है ना सर, बारह चौबीस होनी चाहिए, चौबीस चौबीस कैसे हो गया पेट्रोलियम चार नंबर चौबीस बनाया सर, कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी? और सर देश में बाइनरी पहले तीन से सर चार हो जाए, फिर से बारह है बारह फिर चले जाओ, यस सर बारह है बारह से फिर रिवर्स चले जाओ, तो दोनों पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है बाइनरी से। अरे भाई बारह इधर से गए, तुम दस इधर भी तो आ सकते हो, इधर से उधर लिख रहे हो बाइनरी से डेसिमल लिखे हम सर, चार से बारह लिखे सर, सर एक बार डेसिमल लेके डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल लेके सर, और उसके बाद क्या आता है एक और होता है ना वो कहाँ जा सकते फिर ऑक्टल से कहां जा सकते हो डेसिमल बाइनरी और हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से कहां जा सकते हो डेसिमल बाइनरी और ऑक्टल, ये जा सकते हो ना, तो कहां तक कितने हम लोग बात कर लिए थे दो कौन सा नंबर परेशान की बता दे बाइनरी इसमें का बाइनरी का ही बाइनरी का बात कर रहे हैं, अरे कितना पढ़े हो ये बताओ पहले, ये पढ़े हो डेसिमल से बाइनरी देखे हो बाइनरी ये कंप्लीट हो गया ना, फिर बाइनरी से डेसिमल भी हो गया, बाइनरी से डेसिमल कहां बाइनरी से डेसिमल भी हो गया, दो हो गया, अब क्या देखो बस इसमें इस दोनों कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम क्या सर? जैसे आप बताए मुझे लगा रहा था क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा, कौन सा नंबर है? फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 19 एंड 15.85, तो क्वेश्चन है 19 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, और 15.85 में 85 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है बेस 2, इसमें क्या क्या दिक्कत आ रहा है बताओ? ये 19 को ये तो डेसिमल है ना, डेसिमल से जिसमें कन्वर्ट करना है ये कौन सा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो इसमें तो आसान है, इसमें क्या करो किसमें कन्वर्ट करना उसके बेस से क्या करो डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 2 19 1 ठीक,
क्रॉस चेक कर लो, 9 दुनिया 8 19, 4 दुनिया 8 9, 2 दुनिया 4 और 0 कितना 4, 2 शून्य शून्य प्लस 1 कितना हो, कितना हो 11 और 0 का कितना, सही है, सही है 11 की कौन 1 और 0 की जगह सर 11 का 1 होगा ना, हां यहां करना 1 होगा ना, हां 0 होगा, 0 यहां पे 0 का फिर यहां 0 और ऐसे बात सही, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो 19 बेस 10 कन्वर्ट होकर क्या मिला 1001 बेस 2, इसमें क्या कंफ्यूजन था ये सर, उसे कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन हुआ कि बता है ये वाला कंफ्यूजन था, ये दोनों तो क्या बता क्यों नहीं जब दिख रहा है, बता दिया तो बाइनरी नंबर क्या था तुम्हारे पास, इधर नहीं कंफ्यूजन है ना, हो जाएगा ना, क्या है 1 1 1 0 1 बेस 2, ठीक है तो सबसे आसान है, इसको फैला दो 1 1 1 0 1, यहाँ से यहाँ चलो 1, ये डबल करोगे और 1 है तो 1 ऐड करो, 1 है ना, 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हुआ, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, यहाँ से यहाँ चलो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ 5, यहाँ चलो तो 5 इंटू 5 प्लस 0 कितना हुआ 25, यहाँ चलो तो 25 इंटू 25 तो डबल करना है ना, सही ना, सॉरी ये देखो डबल करना, तो डबल करना सर, वन स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर नहीं करना, वन प्लस वन यहाँ पे वन प्लस है, दो दूनी चार एक, हाँ यहाँ पे फाइव प्लस फाइव यहाँ कितना आ जाएगा टेन, यहाँ पे कितना रहेगा टेन प्लस वन कितना आ जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 21 बेस कितना आ जाएगा, बस यार क्या करना, डबल करना है जहाँ पे 3 होगा ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 क्या करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 को तो 3 होगा, अरे हाँ जी डबल करना होगा, ऐड करना है यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, नहीं जैसे सर वहाँ पे तो वहाँ की संख्या 3 प्लस 3 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 7 प्लस 0 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 प्लस 14 प्लस 1 25 हो जाएगा, 29 तो रहा है जी, तो क्या यस सर, उसमें आंसर गलती दिया इसीलिए हम कौन पे लगा देते हैं, क्या करो उसमें आंसर गलती दिया था, अरे इससे क्यों बोला अपना, हमारे पास दोनों तरफ से फिर करने का क्रॉस चेक कर लिया करो ना, तो ये सब तो प्रिंटेड है ना कंप्यूटर से लिखते हैं, चलिए अपने बटन से मेथड सीखे रहोगे तो अपने आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मेथड नहीं गलत हो सकता है ना, बुक में गलत हो सकता है, अब देखो यानी कि हम लोग देखो कितना दो ही मेथड अभी सीखे, दो ही मेथड सीखे ना, पहला डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से क्या, अच्छा इसमें आप डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल में नहीं कोई कंफ्यूजन है ना, नेक्स्ट मेथड लिखना डेसिमल टू बाइनरी हो गया और बाइनरी टू डेसिमल हो गया, नेक्स्ट मेथड लिखना ऑक्टल टू डेसिमल, नेक्स्ट मेथड लिखना ऑक्टल टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ये तो चीजें तुम लोगों को बता चुके थे सबसे पहले, ये डेसिमल से सारा
डेसिमल से सारा बताया था ना, डेसिमल से आपके में जाना तो 8 से डिवाइड करना है, इंटीग्रल 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये सब तो बताया था, दिए तो होमवर्क भी दिया लेकिन नहीं दिए सर। डेसिमल को बाइनरी बताया था या उसका कन्वर्ट कर दिया था बाइनरी टू बोला जी का आपके लिए ऐसा करता। चलो डेसिमल से आप चलो डेसिमल टू ऑक्टल इसको लिखना पार्ट ए में लिखना पार्ट इंटीजर्स डेसिमल टू ऑक्टल लिखे ना सबसे लोगों पार्ट ए में लिखो पार्ट इंटीजर्स फॉर इंटीजर्स लिखो इन इन दिस मेथड we progressively divide the given decimal number by 8 मतलब वो क्या है इसमें कन्वर्ट करना उसका बेस है by 8 and write down the remainder after each division full stop these remainders taken in reverse from bottom to top these remainders taken in reverse from bottom to top form the required octal number ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा दिया है 278 कन्वर्ट किसमें करना है डेसिमल तो क्या करोगे 278 को 8 से डिवाइड करोगे कितनी बढ़ जाएगा 8 × 3 = 24 832 कितना रिमाइंडर आएगा बताओ जी कितना रिमाइंडर आएगा 8 को 278 से डिवाइड करो बस कौनसी साइकिल लगभग 6 आएगा ना 6 आएगा 6 आएगा ना फिर 832 फिर कितना है कितना है 2 आएगा फिर क्या करो 8 0 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा ये बन गया तुम्हारा यहाँ क्या करो नीचे से कहाँ जाओ ऊपर जाओ तो कितना हो जाएगा 4 × 2 लेकिन ध्यान देना डेसिमल हाँ सॉरी ये डेसिमल नंबर है ना ये तुम्हारा ऑप्शन है 4 × 2 = 6 ऑप्शन है समझ गए यहाँ पे देखो एक जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करो इंटीग्रल के लिए बल दी तो क्या इसको डिवाइड करो डेसिमल से ऑक्टल में जा रहा है ना तो ऑक्टल का बेस को से डिवाइड करोगे ऑक्टल का बेस कितना है 8 है 8 से डिवाइड किया तो कितना है 34 टाइम्स आया जो रिमाइंडर है उसको यहां लिख दो फिर 8 से डिवाइड किया जो रिमाइंडर है उसको यहां लिख दो यहां तो बेस से कार्ड से डिवाइड कर रहा है देखो 8 × 32 होता है ना 32 देखो 34 क्वार्ट इंटीग्रेट हो गई यहां पे क्या है 8 × 0 + 4 करोगे फिर नीचे से कहां जाओ तो 4 × 6 इज द कन्वर्जन पॉइंट देखो बी पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट ये भी ज्यादा ना पास देखो मेथड सब सेम है ना जैसे डेसिमल से बाइनरी में गए थे सेम उसी तरह डेसिमल से ऑक्टल में जा रहा है सेम उसी तरह डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चला जा रहा है तो आप 16 से डिवाइड करोगे 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लिखो
फॉर फ्रैक्शनल पार्ट, उसमें लिखो इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय 8 रूल इज यूज्ड, इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय 8 रूल इज यूज्ड टू लिस्ट ऑफ फॉर दिस मल्टीप्लाई बाय 8 रूल ईएजीएसटी 8 रूल इज यूज्ड फॉर दिस वी टेकन इन फॉरवर्ड फॉर दिस वी टेकन इन फॉरवर्ड दैट इज टॉप टू बॉटम डायरेक्शन गिव द रिक्वायर्ड ऑक्टल फ्रैक्शन गिव द रिक्वायर्ड ऑक्टल फ्रैक्शन ठीक है जैसे हमारे रिक्वायर्ड ऑक्टल फ्रैक्शन ठीक है जैसे हमारे पास एग्जांपल है 0.19 बेस 10 कन्वर्ट किसमें करना है बेस तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.19 इनटू बेस 8 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना कितना हो जाएगा 40 8 9 8 2 10 5 15 ठीक है यही आया 1.0 1.52 आएगा देखो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1.52 आएगा लेकिन 1 तो लिखना नहीं होता है 0.52 रिमाइंडर क्या लिखो 1 ही लिखो समझ गए इसी में करते थे फिर क्या करोगे 0.52 इनटू 8 8 दूने 16 8 पंजे 40 इनटू 4 तो 4.06 आया तो 4 यहां लिखेंगे देखो कितना लिखोगे 0 और 4 क्या लिखोगे ऊपर वहां पे ध्यान दे लो वहां पे 0 और 1 ही लिखते थे क्योंकि वहां पर उसका 0 और 1 दो ही डिजिट होता था लेकिन यहां पर 0 से लेकर 7 डिजिट होता है तो 0 से लेकर 7 तक कुछ भी आएगा तो क्या करोगे लिखोगे तो कितना हो जाएगा 0.06 इनटू 2 तो कितना अच्छा है 0.16 यहां कितना है 16 होगा यहां पे 0.16 चलो 16 यहां कितना है 32 1.28 है 4 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा तुम्हारा 1 उसके बाद फिर तुम्हारा 2.28 है ना 0.28 तो 0.28 इनटू 8 कितना आएगा 0.24 आएगा और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 2.24 आएगा ना क्योंकि देखो यहाँ पर 3 आया है ना 3 तक निकालो ज्यादा जितना है उतना ही डेसिमल में भी जाओ 3 तक जाकर यहाँ बॉटम से क्या करोगे टॉप से बॉटम में आओ टॉप से बॉटम में आओ यानी कि 0.9 से कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 4 1 कहीं अगर ऐसे प्रॉब्लम आ जाए कि 278.019 बेस 10 कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें 426.141 बेस ये ना आएगा इसमें इंटीग्रल डेसिमल सब इंक्लूड हो जाएगा क्यों लेकिन बाइनरी और डेसिमल में क्या करो
एब्सोल्यूट बाइनरी और डेसिमल कहते हैं किसमें आंसर बाइनरी से एब्सोल्यूट और इसमें का नहीं दिया है तो सबका पढ़ लो कभी कोई कुछ भी पूछ सकता है सिलेबस में जब है नहीं तो ये कहे तो इसे कर नहीं लेंगे सर्च करेंगे पति खत्म आ क्या करो पति खत्म आ पाल कुल पति बता लो तो इसीलिए फिर बाइनरी से सारा खत्म कर लो फिर ऑक्टल से सारा खत्म कर लो फिर हेक्साडेसिमल से सारा खत्म कर लो नहीं तो बीच बीच में पढ़ोगे तो सब कंफ्यूजन होगा समझ लो पहले डेसिमल से सारा खत्म कर लिया जाए डेसिमल से बाइनरी हो गया डेसिमल से ऑक्टल हो गया अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल लिखो फॉर दिस ए hex double method is used for this a hex double method is used hex double method is used in which a decimal number is progressively divided by 16 in which comma a decimal number is progressively divided by 16 full stop The reminders are converted to hex notations and read in the reverse order. That is from bottom to top. जैसे तुम्हारे पास एक example है 4 to 3 base 16 base 4 to 3 base 10 convert करना है base कितने 16 integral part है ना तो इंटीग्रल पार्ट में कितना जब 4 2 3 किससे डिवाइड करोगे 16 से डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा 26 टाइम जाएगा 7 आएगा 26 बार 7 और 16 एक बार करोगे तो 10 आएगा और फिर 16 जीरो करोगे तो 1 आएगा इसका मतलब क्या हुआ 7 1 1 हो गया और 10 का मतलब क्या होता है ए ना यहां 10 की जगह 10 नहीं लिखो बल्कि क्या लिखो ए लिखो 1 ए और ए क्या लिखो ठीक बी पार्ट लिखो इसका पार फ्रैक्शनल ए पार्ट का पार इंटीग्रल्स लिखो कि नहीं ए वाला जो हेडिंग डालो लिखे हो अपनी सारा मेथड वो लिखना फॉर इंटीग्रल्स और नेक्स्ट में बी पॉइंट लिखना फॉर फ्रैक्शनल अच्छा ये एग्जाम का ये टाइप ही क्या करो एग्जाम का कितना पड़ेगा नहीं आता ही नहीं है लिखने के लिए इसलिए तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिखा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से इसलिए नहीं लिखा रहा बस उतना ही लिखा दे जितना बस काम चल जाए तुम्हारा यस सर लिखने के नहीं वो तो तुम्हारे समझने के लिए लिखा है उतने लंबे छोटी डिफिनेशन थोड़ी होती है फॉर फ्रैक्शनल उसमें लिखना इन दिस केस
केस मल्टीप्लाई बाय 16 रूल इज यूज्ड, इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय 16 रूल इज यूज्ड, ठीक है, फुल स्टॉप, पॉज, मल्टीप्लाई बाय 16 रूल इज यूज्ड फॉर दिस वी taken in forward, we taken in forward, that is top to bottom, that is top to bottom direction give the required hexadecimal notation required hexadecimal notation. देगा ही नहीं, इतना टफ होता है इसका hexadecimal, बहुत टफ होता है, इसमें देता ही नहीं, चलो hexadecimal, चलो कुछ भी मान लो, कोई भी एग्जांपल मान लो, कोई भी ले लो, 0.15 ले लो, ऐसे ले लो, अपना एग्जांपल ले लो, कोई मान लो, वैसे टफ होता है, इसमें देता नहीं है, ये कितना हो जाएगा, बेस 10 कन्वर्ट किस में करना है, बेस 16 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.15 * 16 बराबर जो लिख लो वहां लिख दो, फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करके से कितने टर्म तक निकाले हो, और तीन टर्म तक निकालो ना, कम से कम तीन टर्म तक निकाल, याद निकाल, उसको निकाल, निकाल करो कितना आ रहा, 0.15 * 16 से मल्टीप्लाई करो, 15 * 16 कितना कर आएगा, 22.40 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू, यहाँ जीरो हट जाएगा, जीरो, तो 0.40 इनटू 16 6.40 तो यहाँ बचेगा 6 बस सर, एक और निकालो 0.40 वही जाएगा 6, तो ऐसे चले जाओ टॉप से बटन आओगे ना, इतना कितना है 26, यहां पे 10 के बाद कोई अल्फाबेट है या अल्फाबेट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 266, इस तरीके से हम लोग 62 सर, उठाओ से बटन लगा ना इसमें 266, तो हमारा क्या क्या हो गया, डेसिमल से बाइनरी हो गया, डेसिमल से ऑक्टल हो गया, डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी से डेसिमल हो गया, कितना हो गया ना, अब चलते हैं बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब दो चीज देखते हैं, अब इसका ये अब यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, दो के लिए चार हो जाएगा, इसके बाद पढ़ोगे तो चार ट्रांसफॉर्मेशन देखो, एक ही से एक टेबल से चार ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, कौन कौन से, ये हो जाएगा तुम्हारा बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ये सब पूरा हो जाएगा, देखो कैसे होगा, पहला देखो, पहली बात तो जितने नंबर ऑफ एन वेरिएबल्स होते हैं, नोट करके लिख लेना, जितने नंबर ऑफ एन वेरिएबल्स होते हैं उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 2 to the power n पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अगर तुम्हारे पास n संख्या बचती है तो उसकी बताया जाए कि n की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो उसका कितना निकालोगे, 2 to the power n, जैसे दो कोई सिस्टम तुम्हारे पास है उसको पूछे कि दो की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 2 to the power 2 यानी कितनी हो सकती है, 4, ऐसे तीन सिस्टम 1 2 3, तो तीन को पूछा जाए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 2 to the power 3 यानी कितनी हो सकती है, 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है, निकाल पॉसिबिलिटी निकालने का तरीका होता है, जैसे तुम्हारे पास चार सिस्टम लिखा है और कोई तुमसे पूछे बताओ ये चार की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 2 to the power क्या कर दोगे, 4, कितनी हो जाएगी, 16 पॉसिबल काउंट, इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा ना, 4 से ज्यादा तो नहीं पूछेगा, अब 4 लिखते कैसे हैं वो इंटरेस्टिंग है, वो जानना है वो कैसे लिखते, जैसे n की जगह हमारे पास 2 वेरिएबल्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करता है,
टू वेरिएबल्स है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन, टू टू दी पावर इज इक्वल टू फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। थ्री वेरिएबल है तो टू टू दी पावर थ्री बराबर मतलब एट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। फोर वेरिएबल है तो यानी टू टू दी पावर फोर इज इक्वल टू 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो टू के बारे में तो बात कर ही नहीं है, बाइनरी के बारे में तीन से बात करते हैं जहां से बात आती है। तो टू के बारे में पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, एक क्या हो सकता है जीरो जीरो, एक जीरो वन, एक वन जीरो, एक वन वन, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये टू का पॉसिबल कॉम्बिनेशन याद करो, इसको लिखने में कोई समस्या, पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसको यहाँ पर हम नंबरिंग भी दे देते हैं, बाइनरी नंबर देते हैं, इसको बाइनरी नंबर से डिनोट भी करते हैं, जीरो इसको वन इसको टू इसको तो दैट बाइनरी नंबर दैट डेसिमल नंबर इसके नंबरिंग कर देते हैं जीरो वन टू थ्री। इसी तरह थ्री वेरिएबल, इसी तरह हम लोग थ्री वेरिएबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं, थ्री वेरिएबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं, थ्री वेरिएबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो थ्री वेरिएबल के लिए ट्रिक सीख लो कैसे लिखते हैं, कोई भी वेरिएबल की ट्रिक नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के लिए कैसे लिखोगे, तीन बार दो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, हाँ तो कुछ नहीं सोचना, पहले क्या कर दोगे चार बार जीरो लिख देना, चार बार ठीक, फिर क्या करो वही रिपीट कर दो टू वेरिएबल, जीरो 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 वन वन जीरो जीरो फिर वन वन जीरो फिर रिपीट करोगे जीरो 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 वन वन जीरो वन ऐसे नंबर करो। ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा नंबर जीरो, ये रिप्रेजेंट करेगा वन, ये रिप्रेजेंट करेगा टू, ये रिप्रेजेंट करेगा थ्री, ये रिप्रेजेंट करेगा फोर, ये रिप्रेजेंट करेगा फाइव, ये रिप्रेजेंट करेगा सिक्स, ये रिप्रेजेंट करेगा सिक्स। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा रिक्वायर्ड ऑक्टेल नंबर, मतलब उस पॉसिबल नंबर का क्या है रिक्वायर्ड ऑक्टेल समझे। तो जैसे कहीं अगर कोई दिया है 100 बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में जाना है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है ना, तो बाइनरी में कहीं लिखा है 100 इसका मतलब वो कौन सा ऑक्टेल नंबर, यह तो नहीं जाएगा नहीं। कहीं कहीं लिखा है 010 इसका कौन सा ऑक्टेल नंबर, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टेल नंबर, या तुमसे ऐसा पूछ लिया इस ऑक्टेल नंबर ने देखा है इसका बाइनरी नंबर बताओ, तो इस टेबल को देखकर साथ में नहीं बता देगा टू का बाइनरी नंबर क्या होगा 0110। इसी तरह अगर फोर वेरिएबल हमसे पूछा, यहां पर क्या है फोर वेरिएबल का पॉसिबल कॉम्बिनेशन, फोर वेरिएबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसमें यहां पर डालोगे नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और यहां पर रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर ठीक है। अब यहां पर रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल नंबर का देखो तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते, देखो क्या है 16 है ना, चार वेरिएबल है तो चार वेरिएबल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16, तो क्या करोगे 8 बार 0 लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार 1 और 8 बार 0 फिर क्या करोगे 8 बार फिर 4 बार फिर 0 फिर वही 8 बार 0 8 बार 1 हो गया फिर 4 बार 0 1 2 3 4 फिर 4 बार 1 1 2 3 4 फिर 4 बार 0 1 2 3 4 फिर 4 बार 1 कितना कठिन है क्या फिर वही 2 वेरिएबल रिपीट करो 0 0 0 1 1 0 फिर 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 बुक में देखो ये ट्रिक लिखा नहीं रहेगा, ये दूसरों अपने समझने के लिए बता रहे हैं कि हम लोग फिर करते करते हैबिट हो जाती है तो कैसी चीजों को याद रखा जाता है, नहीं तो क्योंकि वहां पर कई बच्चे ऐसे नंबर याद करते हैं 0102 नंबर पे 010 पता चला इसमें कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो फिर दिक्कत हो जाए,
इसको कैसे भी हो कहीं रफ कॉपी पे दो एक से एक मिनट लगेगा जल्दी बना लो, कहीं कंफ्यूजन की स्थिति होगी तो रफ कॉपी पे पीछे की साइड एक तरफ बना लो कंफ्यूजन हो जाएगा, बना के एकदम क्लियरली हो जाएगा। तो इसकी नंबरिंग करते हैं तो इसको कौन सा नंबर देते हो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और ये दोनों टेबल बना लो। ये अगर दोनों कर लिए तो जानते हो कौन सा हो जाएगा, बाइनरी से ऑक्टल हो जाएगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल हो जाएगा और क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्टल से बाइनरी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल हो जाएगा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, कई सारा हो जाएगा, एक दो खाली बचेगा। अगर ये टेबल सीख ली तो एक ही तो बचेगा बाकी सारा हो जाएगा। टेबल बना लो फिर सिखा देते कैसे करना। पहले हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे, जीरो जीरो सात नंबर याद करना है तो वन 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 जीरो वन ऐसे याद करते करते कितना याद करो, कभी मिस हो सकता है, वन की जगह जीरो हो गया तो जीरो की जगह वन हो गया तो कहानी खत्म, दूसरे नंबर पर पहुंच जाओगे, हो जाएगा कि नहीं, एक भी इधर उधर हुआ सात नंबर आठवें नंबर की बजाय छह नंबर आठवें नंबर हो जाएगा। इसलिए सिक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, सिक्वेंस देखो ऐसे लिखोगे तभी याद हो पाएगा। सारा कन्वर्जन खत्म करके उसका जो ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये पूरे खत्म करके पूरा डिजिटल का पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, कन्वर्जन का पूरा काम खत्म हो जाएगा, एडिशन भी सीख जाएंगे सब्ट्रैक्शन भी मल्टीप्लिकेशन भी डिवीजन, उसके बाद फिर बचेगा हमारा गेट वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब कन्वर्जन का पूरा बाइनरी सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा पूरा पोर्शन किसका, लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट का आसान है, बस इतना ही हमको डिजिटल पढ़ना है। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर, अरे यहां तक तो हो ही गया था, यही बचा है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर। ठीक, इसमें लिखना फॉर दिस
we use binary to octal converter. Binary to octal है ना? Binary to octal converter. उसपे लिखना for this we use binary triplet. For this we use binary triplet method. Binary triplet method. We'll stop. In this method, the given binary number is arranged into groups of three bits starting from the binary point. Full stop. For it, we may need to add zero in front of the integral part, as well as to the fractional part. Zero is written or the left of the integral number or the left of the integral number and the right of the fractional number to complete the group of three bits group of three bits full stop. Then each group is converted into its equivalent octal number by writing octal equivalent below the three bit group. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, बता रहे छोटी यूनिट है जो डाटा की बाइनरी की छोटी यूनिट है उसको बिट बोलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एग्जांपल है 101.11, दोनों एग्जांपल यहां पे है, 1 बेस 2 दिया है, इसको कन्वर्ट कितना किसमें करना है, 8 में करना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे कि सबसे पहले बात कि इसमें हम ट्रिपलेट मेथड बाइनरी ट्रिपलेट मेथड यूज करते हैं, मतलब तीन तीन का पेयर बनाते हैं। पेयर कैसे बनाओगे, कहां से स्टार्ट करोगे, तो बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करोगे। फिर दो चीज बोला है, पेयर बनाते समय ध्यान रखोगे कि इंटीग्रल पार्ट के लिए कैसे करना है, बाइनरी फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कैसे करना है। जब पेयर स्टार्ट कहां करना है, बाइनरी पार्ट से स्टार्ट। जब बोला है कि बाइनरी जब तीन का पेयर बनाने जाओगे तो यहां से एक पेयर बन गया, बाइनरी पार्ट से पेयर बनाने से शुरू के एक पेयर बन गया, लेकिन दूसरा पेयर बनाने जाओगे तो पेयर नहीं बनेगा, एक कमी आ गई।
तो कह रहा जहां कमी आ रही है उस कमी को पूरा करने के लिए इंटीग्रल पार्ट में लेफ्ट में जीरो ऐड करोगे और फ्रैक्शनल पार्ट में राइट में जीरो ऐड करके उस कमी को क्या करोगे पूरा करके उसको ट्रिपलेट बनाना। तो यहां पर ट्रिपलेट जब बनाने जाओगे तो यहां पर एक जीरो ऐड करके इसको एक ट्रिपलेट बना दोगे। ट्रिपलेट इसमें लेफ्ट में ऐड करना है इंटीग्रल पार्ट के लिए और राइट में ऐड करना है यहां पर जीरो ऐड करोगे तो ये बन हो जाएगा किसके लिए राइट में फ्रैक्शनल पार्ट। ये बस ध्यान रखो ट्रिपलेट स्टार्ट कहां करोगे बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करोगे और बाइनरी पॉइंट में इंटीग्रल पार्ट में लेफ्ट में जीरो ऐड करना। अगर मान लो एक की कमी पड़ रही है तो एक जीरो ऐड करोगे अगर दो की कमी पड़ रही है तो दो जीरो ऐड करोगे लेकिन उसको ट्रिपलेट क्या करोगे बनाओगे लेकिन जीरो ही ऐड करके ट्रिपलेट बनाओगे वन ऐड करके ट्रिपलेट नहीं बनाओगे। ठीक है अगर यहाँ पे वन होता मान लो यहाँ पे जीरो बनता ना यहाँ पे बस जीरो होता तो क्या करते जीरो जीरो दो जीरो ऐड करते तभी ट्रिपलेट बनता ना। तो जीरो मान लो यहाँ वन होता तो क्या करते दो जीरो ऐड करते यानी दो वन ऐड करके वन का काम ही नहीं वन के बारे में बात ही नहीं करता वन करना ही नहीं जीरो ऐड करना है किसमें लेफ्ट में फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट में और राइट में क्या करना है फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो ऐड करना है। यहां पे देखो 1 1 0 1 1 था जीरो ऐड करके इसको फ्रैक्शनल बना दिया। ठीक अब ईच ग्रुप का क्या ऑक्टल नंबर है वो लिख लो। तो देखो 010 का ऑक्टल नंबर क्या है 2 और 101 का ऑक्टल नंबर क्या है 5 और 110 का ऑक्टल नंबर क्या है 6 यानी कि इसका कितना हो जाएगा 2.5.6। ओके टेबल याद रहेगा तो बहुत आसानी से क्या कर लो टेबल का देखो कितना यूज है और टेबल लिखना भी बहुत आसान है टेबल लिखना आसान है कि नहीं। अब देखो इसी का पूछ ले इसी का दूसरा कर्म हो जाए पूछ ले 25.6.8 दिया अब कह दे कि इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर होता है अरे ऐसे पूछ ले 25.6.8 कहेगा इसका बाइनरी कन्वर्जन बताओ तो क्या करो 2 का रिक्वायर्ड बाइनरी इसका रिक्वायर्ड बाइनरी लिख लो 2 का रिक्वायर्ड बाइनरी किसका होता है 010 और इसका 5 का कितना होता है 101 पॉइंट और 6 का कितना होता है 110 दिख रहा है इसको हटा दो अरे स्टार्टिंग का जीरो लास्ट का जीरो हटा सकते हो ना कितना हो जाएगा 101.1 नहीं कन्वर्ट हो गया इसके दो एक बैकग्राउंड से दो मैटर पढ़ लिए पहला बाइनरी से ऑक्टल और दूसरा ऑक्टल से बाइनरी ये भी मैटर समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरह देखो दूसरा वाला टेबल का देखते हो कि कोई भी नंबर दिया जाएगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल से फिर बाइनरी में चलो सकाल में इसी बारे में सुन कर देखते हैं इतना बना देते हैं इनको आज तो समझ में आया कि कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इससे आगे थोड़ा चलते हैं सारे ठीक।